आपका माइंडसेट आपको निखरने में हेल्प करता है। वो आपको बताता है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है और कैसे रहना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक तो होता है फिक्स माइंडसेट, जो सिर्फ अपनी बताई हुई बातें ही फॉलो करता है। उन्हें जितना मालूम है ठीक है, जितना आता है उतने में ही फिक्स रहता है, कुछ नया करने की या कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं करता। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता रहता है। उसे जितना मालूम है उसे हर जगह लगाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसमें नए नए चेंजेस करता रहता है। अब आपको देखना है कि आप किस माइंडसेट के बंदे हो, और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिजायर। अब जो फिक्स माइंडसेट है उसको यही लगता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करना चाहता हूँ, भले ही मुझे नहीं मालूम कि मैं इसमें अच्छा हूँ या बुरा, लेकिन मुझे यही करना है। अब ऐसे वाले बंदे यार एक जगह पर अटक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आंखें बंद करके चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना बुरा। और ना ही वो लोगों को सुनना पसंद करते हैं, वो बस अपने मन की बातें करने में लगे होते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के बंदे रिस्क लेने में आगे रहते हैं, उन्हें ये तलब रहती है कि वो कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं। वो आसपास के लोगों से भी सजेशन लेते रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हें लोगों से जो रिव्यूज मिले उन्हें खुद में एनालाइज करें और खुद में बदलाव करने की कोशिश करते रहें। इसके बाद से ही उन्हें रास्ता मिलना शुरू होता है। इसके बाद है स्किल्स। अब फिक्स माइंडसेट वाले बंदों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक है, वो चाहे जैसा भी काम करे उन्हें उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, भले ही वो काम और ज्यादा बेहतर किया जा सकता हो, मगर वो क्योंकि ऐसे माइंडसेट के बंदे हैं कि जो उन्होंने किया वो सब कुछ उन्हें सही लगता है, तो वो कभी भी अपनी बनाई हुई चीजों में बदलाव करते ही नहीं। और यही वजह है कि कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं, वो कुछ भी और बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के बंदे खुद से ही सवाल करते हैं कि क्या वाकई ये चीज बेस्ट है, क्या वाकई ये मेरा बेस्ट वर्क है। और जब उन्हें ये फील होता है कि इसमें अभी तो कई बदलाव किए जा सकते हैं, तो वो वाकई उसमें बदलाव करते भी हैं। तो भाई अपनी ईगो को इतना बड़ा कभी मत बनाओ कि आपको अपनी ही कमियां दिखनी बंद हो जाए। इसके बाद है एफर्ट्स। अब फिक्स माइंडसेट वाले बंदे कभी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की कोशिश नहीं करते। जहां बहुत ज्यादा मेहनत की बात आए वो उस काम में ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं कि ये तो बेकार है, इसे करके क्या फायदा, इसे छोड़ देते हैं। मगर ग्रोथ माइंडसेट के बंदे कोशिश करते हैं, वो खुद से कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल जरूर है, मगर ये हमें और ज्यादा निखरने में मदद करेगा। और यहीं से वो और ज्यादा एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो बोर भी नहीं होते और अपने काम के लिए फुल एक्टिव रहते हैं। इसके बाद है सेटबैक। फिक्स माइंडसेट के बंदों के बस की नहीं होती मेहनत करना, तो वो जब भी नाकामयाब होते हैं तो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। वो ना तो उसे थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं, ना उसमें कुछ और करने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी ने कहा कि ये बेकार है या वो नहीं कर पाते, तो बस खुद को ही बोल देते हैं कि ये काम ठीक नहीं है और वो काम छोड़ देते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के बंदे खुद को ये बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, चल बैठ कर देखे जरा कि आखिर दिक्कत क्या आई है, किस वजह से हम सिलेक्ट नहीं हुए, और वो उस चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है फीडबैक। फिक्स माइंडसेट के बंदे खुद को ऐसा फीडबैक देते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। जैसे काम मुश्किल है तो कहेंगे ये कर ही मत, ये कोई पसंद नहीं करेगा, और काम आसान है तो यार ये तो सब कर लेंगे, छोड़ी से। ये चीज काफी ज्यादा उन्हें बांध देती है। मगर ग्रोथ माइंडसेट के बंदे जेन्युइन फीडबैक देते हैं। उन्हें काम अगर एवरेज लगता है तो वो कोशिश करते हैं कि खुद को बोले कि ये तो ठीक था, नेक्स्ट टाइम से कुछ और नया और बेहतर करेंगे। और यही चीज उन्हें और ज्यादा एक्टिव बनाती है। तो भाई आप कमेंट में बताओ कि आपको किस कैटेगरी में रहना है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। आप बस वीडियोस को प्यार देते रहो, बाकी आपके लिए न्यू वीडियोस मैं लाता ही रहूंगा। बाकी इंस्टाग्राम का तो आपको पता ही होगा, अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करो और इंस्टा पर आकर मेरे साथ जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।